नमस्कार, मैं हूं डोली लखानी। बीएनआई में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं सियासत की खबरों की। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी विभिन्न मुद्दे को उठा रही है। उसी कड़ी में मुंबई के आज़ाद मैदान में रिपब्लिक क्रांति दल ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी ने आज़ाद मैदान में एक गीत संगीत के जरिए लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील की और इस मौके पर बीएनआई से बातचीत भी की। आइए देखते हैं पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। यही कमाई है आपके तुमची तूफानी ताकत लागल्याशिवाय अन्याय अत्याचार मिटणार नाहीत हे लक्ष ठेवा तुम्ही। तुफानी ताकत भीमजी के बेट हमारे साथ इस समय रिपब्लिकन क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहदेवराव पांडे सर हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है और किन मुद्दों को लेकर के हड़ताल पे हैं। मतलब कि जो आज का जो प्रस्ताव है महाराष्ट्र शासन के पास जो रखने जा रहे हैं, उसका मूल वजह यह है कि भाई जब जब चुनाव आता है, चुनाव की राजकीय रोटी सेकने के हिसाब से जो मतलब जो प्रांत के जो पक्ष है, तो वो प्रांत पक्ष के जो नेतागण लोग जो है वो वोट बैंक आधार करने के अपना अपने ताबे में लेने के लिए मतलब वोट बैंक अपने पार्टियों को ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए इन लोग क्या कर लेते हैं कि प्रांत का मुद्दा उपस्थित कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि देश की सुरक्षा जो है उसको धोखा निर्माण होता है। तो देश का संविधान क्या कहता है कि भाई देश का कोई भी नागरिक कोई भी कोने में जाके पेट भर सकता है और उसी के साथ साथ मतलब संविधान के अंदर ये इतना दी गई है कि देश के कोई भी कोने में कोई भी राज्य में जाके जब आप पेट भरना मतलब अपने कुटुंब की उपजीविका चलाने के लिए कोई रोजगारी स्वयं रोजगारी का साधन उपलब्ध करते हो तो उसके पहले उस राज्य की और उस स्थानीय लेवल की संस्कृति जो है वो जोपासना चाहिए। तो वो जोपासते हुए मतलब देश का हर एक नागरिक मतलब वो जोपासते हुए वहाँ पे रहते हैं करके उनकी पीढ़ी पीढ़ी वहाँ से सुख चैन से रहती है। मतलब वो संविधान का बोझ रखते हुए अपना मार्मिक जीवन जो है वो सुख से मतलब गुजारना चाहती है। ताकि साहब मनुष्य की बात करें तो साफ तौर पर मतलब प्रांतियों का विरोध करते हैं। हाँ जी, तर साहब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है साफ तौर पर प्रांतियों पर आए दिन हमला करती है, उसका विरोध करती है। हाँ। तो मतलब ऐसी पार्टियों की आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, वो जो मैंने तो आपको मुद्दा पहले स्पष्ट किया हुआ है कि प्रांतीय जो पक्ष है जो प्रांत मतलब मर्यादित जो पक्ष है वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे जैसा मतलब देश का कोई नेता ही नहीं है, मगर उसको पर्याय देते नहीं है कि पर प्रांतीय आदमियों के लिए सुरक्षा किस तरीके से देना चाहिए, देश का संविधान क्या कहता है। वो देश के संविधान की तरफ दूर ख्याल करते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारे जैसा नेता कोई नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो फुट होती है देश अखंडता में उसकी फुट होती है, तो उन्होंने मतलब कि लोकशाही के माध्यम से उन्होंने प्रस्ताव रखना चाहिए, मगर उनके पास वो मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट बैंक करके हम सत्ते में कैसा बैठे। इसके विपरीत वो देश का मतलब सोचता नहीं, उनके मतलब कहने के उनके जो प्रस्ताव रखने के हिसाब से कहा जाके देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम तोड़ने का काम कर रही है, रियली तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि मतलब कि पर अपना पर प्रांत को भगा और मतलब अपना जो है वो मतलब वो राजकीय सिक्योरिटी मतलब ये करना चाहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब संविधान को भी वो चैलेंज कर रहे हैं। और ये संविधान को चैलेंज अगर कोई करता है तो हमने होने देगी, क्यों कि हम भी महाराष्ट्र के भूमि पुत्र वो बात अलग है, मगर सबसे पहले हमें देश के पुत्र है। लेकिन तारे साहब आपका लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या मतलब आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगी? नहीं देखिए, चुनाव का मुद्दा मतलब विधानसभा रहे या लोकसभा रहे, चुनाव के माध्यम से हमारा कोई पॉलिटिकल विषय नहीं चल रहा है। हमारा विषय इस आधार पर चल रहा है कि जो देश की सुरक्षा मतलब इन लोग पॉलिटिकल का मुद्दा चुनाव के टाइम पे सामने लाके देश की सुरक्षा को जो धक्का पहुंचाते हैं हमें उसको रोकना है। और हम जो है रिपब्लिकन क्रांति दल जो है इसका मूल उद्देश्य है कि आरपीआई नेता एक साथ में आ जाए, मगर आरपीआई नेता होकर आपको उत्तर देते हुए इन लोग क्या कर लेते हैं कि विविध पार्टियों के जो लोग हैं कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का नाम न लेते हुए सत्ता काबिज करने की जिनकी ताकत नहीं है और जिनके पास बाबा साहब अंबेडकर का वोट बैंक जो है वो आरपीआई नेता क्या करते खुद को राजकीय कवच मतलब हासिल कर लेते हैं और समाज के अंदर दूफली करके यानी समाज को कोई तो भी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब इसको गठन को बांध देती है। मतलब कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी या आरपीआई के नेतागण जो है सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर की एकता फोड़ने में हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहला ये गुनहगार है। और वाकई में आरपीआई नेताओं को हम सबक सिखाने के लिए हम लोग अभी बाहर निकले हैं कि भाई अभी जो विविध
पार्टी में आ, मतलब कि जो अंबेडकर चलवली के जो युवा पीढ़ी जो जाती है, शिवसेना में जाती है, कांग्रेस में जाती है, अपना राष्ट्रवादी में जाती है, तो इसमें भी सबसे बड़ी जवाबदारी जो है ये इनकी है, आरपीआई नेताओं की। अगर ये रहते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। और आरपीआई पक्ष जो है गठबाजी के माध्यम से ये राजकीय शून्यहीन होते चला जा रहा है, तो हमें इसको राजकीय मजबूती देना है। तो अगर इन लोग नेता लोग अगर नहीं आएंगे तो आगे चल के, मतलब हमने ये प्रोग्राम तय किया है कि 14 अप्रैल के बाद में जहाँ जहाँ पे गठबाजी के माध्यम से आरपीआई नेता घूमेंगे, हम उनको काले झंडे दिखाते हुए उनका निषेध व्यक्त करेंगे। ये भी हमारे रिपब्लिकन क्रांति दल ने अगला प्रोग्राम 14 अप्रैल के बाद वो तय किया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की बात की जाए, तो जहाँ पे दूसरे मंच जैसी पार्टी पार्टियों का पुरजोर विरोध करती है, तो वहीं रिपब्लिकन क्रांति दल साफ तौर पे इनका कहना है कि ये जो है पर प्रांतियों का विरोध नहीं करेंगे और भारत एक संघीय राज्य है और सभी राज्यों के लोग एक है और अनेकता में एकता को पिरोने का काम क्रांति दल कर रहा है। कैमरा मैन शमशाद के साथ रितेश पाठक, बुलंद। तो दीजिए हमें इजाजत, बीएनआई में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए बीएनआई। नमस्कार।